भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। ओपनिंग करने आए रोरी बर्म्स और डॉम सिबली। भारत की ओर से ईशान शर्मा गेंदबाजी शुरू किए। उनके द्वारा पहला ओवर शानदार रहा। पहला 5 ओवर खत्म होने तक इंग्लैंड 10 रन बनाए। 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिबली शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट से चौका लगाए। 14 ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिबली फ्लोटेड गेंद को मिड विकेट के माध्यम से फ्लिक करते हुए बाउंड्री लगाए। 17 ओवर की आखिरी गेंद पर डॉम सिबली ने शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को बिंदु क्षेत्र के माध्यम से चौका मारे। 20 ओवर के बाद रोरी बर्न्स और डॉम सिबली के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 22 ओवर की चौथी गेंद पर रोरी बर्न्स फ्लाइटेड डिलीवरी अराउंड ऑफ गेंद को स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए। 24 ओवर की पहली गेंद पर रोरी बर्न्स ने बेहतरीन शॉट लगाया। उन्होंने अपने पैरों का शानदार उपयोग करते हुए ट्रैक के नीचे आकर एक चौके के लिए स्पिन के खिलाफ मध्य की तरफ चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोरी बर्न्स कैच आउट हो गए। वे फ्लोटेड डिलीवरी ऑन मिडिल गेंद को रिवर्स स्वीप लगाए, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स को लगकर हवा में उछला और ऋषभ पंत आसानी से कैच पकड़कर आउट किए। रविचंद्रन अश्विन और भारत के लिए पहली सफलता। अगली ओवर की चौथी गेंद पर इंग्लैंड के लिए दूसरा झटका। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फुल्लर गेंद डाल के डेन लॉरेंस को LBW के रूप में आउट किए। बुमराह पहली बार भारत में टेस्ट मैच खेल रहे हैं और उनके लिए यह पहला विकेट और भारत के लिए दूसरा विकेट। खेल का एक बहुत ही पेचीदा सत्र जो अधर में लटका हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड सत्र के अधिकांश भार पर हावी था, लेकिन सत्र के अंतिम आधे घंटे के लिए भारतीयों के लिए 2 त्वरित विकेट का मतलब है कि यह सत्र इन दोनों पक्षों के बीच साझा किया गया। 39 ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिबली फ्लाइटेड एंड ऑन मिडिल गेंद को मिड विकेट क्षेत्र के माध्यम से फ्लिक किए और बाउंड्री हुआ। 41 ओवर की दूसरी गेंद पर जॉय रूट फ्लाइटेड एंड अराउंड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र के माध्यम से चौका लगाए। 43 ओवर की चौथी गेंद पर डॉम सिबली टॉस अप आउटसाइड ऑफ गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए। 44 ओवर की तीसरी गेंद पर डॉम सिबली टॉस अप ऑन ऑफ और मिडिल गेंद को बेहतरीन शॉट लगाते हुए चौका लगाए। इसी के साथ इंग्लैंड भी 2 विकेट के नुकसान पर अपना 100 रन पूरा किए। 47 ओवर की 5वीं गेंद पर डॉम सिबली फ्लोटेड ऑन मिडिल गेंद को मिड विकेट की क्षेत्र में चौका मारे और अगली ओवर की दूसरी गेंद पर जॉय रूट टॉस अप फुलर अराउंड ऑफ गेंद को स्वीप करते हुए चौका लगाए। इसी के साथ जॉय रूट और डॉम सिबली के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हुई। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर डॉम सिबली फ्लाइटेड ऑन मिडिल गेंद को मध्य विकेट के माध्यम में फ्लिक करते हुए चौका लगाए। 51 ओवर के दूसरी गेंद पर डॉम सिबली शॉर्टर ऑन ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र के माध्यम से 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किए। 55 ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट शॉर्ट अराउंड ऑफ गेंद को मिड विकेट के जरिए बाउंड्री लगाए। अगली गेंद पर जॉय रूट शॉर्टर गेंद को ऑफ साइड के माध्यम से बैक टू बैक बाउंड्री लगाए। दिन के दूसरे सत्र में चीजों पर किस तरह प्रतिबंध लगा है, उन्होंने कुल 73 रन जोड़े। जॉय रूट और सिबली की जोड़ी ने दूसरे सत्र में धूम लगा रखी थी। भले ही पहले सत्र के अंत में 2 त्वरित विकेट खो दिए हो, लेकिन उन्होंने उस दलदल को कम नहीं होने दिया। 59 ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट शॉर्टिश एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को खूबसूरती से चौका लगाए। उनका 50वां अर्धशतक और अपने 100वें टेस्ट खेल में उन्होंने एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया। लगता है कि इंग्लैंड कप्तान ने श्रीलंकाई श्रृंखला में अपने फॉर्म को आगे बढ़ाया है और वह वहां काफी ठोस दिख रहे हैं, हालांकि वे जारी रखना चाहेंगे। 61 ओवर की चौथी गेंद पर डॉम सिबली शॉर्ट एंड वाइड गेंद को एक सीमा के लिए पीछे से काटते हुए चौका लगाए। 64 ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से चौका लगाए। इसी के साथ जॉय रूट और डॉम सिबली के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हुई। अगली ओवर की 5वीं गेंद पर डॉम सिबली
टॉस अप ऑन ऑफ मिडिल गेंद को मिड विकेट क्षेत्र के माध्यम से बाउंड्री लगाए। 68 ओवर की पहली गेंद पर जॉय रूट वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी पर स्विप करते हुए चौका लगाए। 71 ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट फ्लाइटेड अराउंड ऑफ गेंद को स्विप करते हुए मिड विकेट के रीजन में बाउंड्री लगाए। 73 ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट शॉर्ट एंड ऑन ऑफ गेंद को शानदार थ्रो करके कवर क्षेत्र के लिए पंच किए और वहां फील्डर ने गेंद को इकट्ठा किया। जैसे फील्डर ने देखा कि सिबली क्रीज के बाहर है, उन्होंने गेंद फेंकी लेकिन चूक गए और गेंद डीप मिड विकेट की ओर रस्सियों से दूर होकर बाउंड्री हो गया। अगली ओवर की पांचवी गेंद पर जॉय रूट सुंदर की गेंदबाजी में मिड विकेट के माध्यम से अच्छी तरह से बल्ला को घुमाकर बाउंड्री लगाए। यह उनका वंडरफुल शॉट था। 75 ओवर की चौथी गेंद पर जॉय रूट शॉर्ट एंड अराउंड ऑफ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन रीजन के माध्यम से बाउंड्री लगाए। अगली ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिबली टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद को स्वीप करते हुए फाइन लेग रीजन में बाउंड्री लगाए। इसी के साथ डॉम सिबली और जॉय रूट के बीच 150 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 77 ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिबली शॉर्टेज और आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप पॉइंट रीजन में बाउंड्री लगाए। अगली ओवर की चौथी गेंद पर डॉम सिबली फ्लाइटेड एंड ऑन मिडिल गेंद को डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए। 78 ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट ने अपना शतक पूरा किया। कई टेस्ट में उनका तीसरा स्थान रहा। यह शानदार प्रदर्शन इंग्लैंड के कप्तान ने किया। 80 ओवर की दूसरी गेंद पर जॉय रूट टॉस अप गेंद को मध्य क्षेत्र के माध्यम से चौका लगाए। 82 ओवर की तीसरी गेंद पर जॉय रूट गुड लेंथ एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र के माध्यम से बाउंड्री मारे। 87 ओवर की आखिरी गेंद पर जॉय रूट टॉस अप ऑन ऑफ गेंद को स्वीप करते हुए शानदार छक्का लगाए। दिन का मैच खत्म होने तक यह उनका आखिरी और पहला छक्का रहा। उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन दिखाकर ओवर को खत्म किया और डॉम सिबली खेल के अंत में 90 ओवर की तीसरी गेंद पर LBW के रूप में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर आउट हो गए। इसी के साथ इंग्लैंड के लिए अच्छे दिन की शुरुआत रही। उनके सलामी बल्लेबाज बर्न्स, सिबली और जॉय रूट ने क्रमिक तरीके से शुरुआती की। वे ढीली गेंदों पर आक्रमण करते रहे और प्रसुताओं का सामना किया और उन्हें पता है कि वे उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं।